सबसे बड़ी चीज की मैं आज की डेट में जो भी काम कर रहा हूँ अश्लीलता से हटके कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैंने जिस बैनर के भी मैं काम करूँ उस बैनर में ऐसा ही जिस तरह मैंने मेहंदी लगा के रखना फिल्म दिया और पब्लिक ने बहुत सारी प्यार दी मेहंदी को, तो मैं चाहूँगा कि हर मेरी फिल्म मेहंदी से भी ऊपर हो और ऐसी कहानी, वैसी टेकिंग, वैसे गाने, वैसे रिश्ते, वैसे मिट्टी हर वो फिल्म में मेरे आए और लोगों को जिस तरह आज प्यार मिल रहा है मेरे मेहंदी लगा के रखना को उसी तरह। और जहाँ तक सवाल है इस बैनर की, तो इस बैनर में मैंने एक और भी फिल्म की थी खून भरी मांग, और प्रदीप भैया मेरे लिए प्रोड्यूसर नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं अपने लाइफ में कुछ भी करता हूँ तो प्रदीप भैया और पप्पू राजेश जी, दुर्गा दादा, ये लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। आलोक सिंह और अभी भैया तो मेरे बहुत बड़े गार्जियन हैं जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो कि इंडस्ट्री के एक पिलर हैं, और जितने भी यहाँ प्रोड्यूसर हैं सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मैं आज जो भी हूँ इनके बदौलत, क्योंकि ये मेरे माँ बाप से बढ़के हैं। मेरे पापा ने मुझे उतना विश्वास शायद मेरे पे नहीं किया होगा जितना इन लोगों का विश्वास है खेसारी लाल यादव पे होता है। तो इस बैनर की मैं दूसरी मूवी कर रहा हूँ और मुझे अपने आप से ज्यादा प्रदीप भैया पे विश्वास है, हमारे डायरेक्टर फिरोज खान जी जो कि टेकिंग के मामले में तो कमाल है वो, और इन्होंने, उनका एक सपना है फिरोज खान जी का कि इस फिल्म को बनाया जाए, तो हम उनके सपने के साथ है और मिट्टी से है इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। ये मिट्टी की अगर खुशबू नहीं होती इस फिल्म में तो शायद मैं ये फिल्म नहीं करता, लेकिन सिनेमा कहीं ना कहीं इस मिट्टी की खुशबू देती है, एक रिश्ता, एक प्यार जो होता है उस टाइप से फिल्म है, इसीलिए मैंने इसको हाँ बोला। और प्रदीप भैया को जब मैंने कहानी सुनाई तो प्रदीप भैया ने भी उठ के ताली बजाया, राजेश भैया ने ताली बजाया, तो कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे पब्लिक को अच्छी लगेगी, तभी हम लोगों ने इस पे मेहनत करने की कोशिश की। जिंदगी में कभी कभी हकीकत जब सामने आती है ना, तो चाहे वो सिनेमा हो या हकीकत, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मैं सोचा ही नहीं था कि एक बाप का मरने के लिए हमारे डायरेक्टर जो रजनीश मिश्रा है ने इतने बखूबी से एक मरने का ट्रीटमेंट दे सकता है। एक डायरेक्टर तो इस दुनिया में अगर पत्थर दिल भी हो तो हिल जाए, तो रजनीश जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि शायद मुझे भी हिला दिया उन्होंने। मैं अपने कैरियर में जब भी जो भी फिल्म देखा हूँ दो बार रोया हूँ, एक बार जुदाई फिल्म देखा था अनिल कपूर जी का, और उसके बाद मैं अपनी फिल्म मेहंदी लगा के रखना देखा तो बहुत रोया और अपने पापा से कम 1.5 घंटे बात की मैंने। तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता अपने बाप से जो प्यार बच्चे नहीं करते हैं ना, वो मुझे लगता है कि अगर मेहंदी लगा के रखना देखेंगे तो अपने बाप से प्यार जरूर करेंगे। ये डिसाइड मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो ये उनका अधिकार है, ये मेरा अधिकार काजल पे नहीं है कि मैं बोलूं कि काजल रघवानी हीरोइन रहेगी। ये प्रदीप सिंह जी का अधिकार है क्योंकि वो मेरे गार्जियन है और फिल्म के सर्वोपरि वो है, वो जो चाहेंगे वही होगा। खेसारी लाल यादव एक पार्ट है, एक वर्कर है, जहाँ वो मुझे कहेंगे कि हाँ जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। इस फिल्म में हीरोइन कौन है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, इससे मुझे ज्यादा कुछ लगाव नहीं होता। मैं अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का हीरो हूँ, मुझे जो मिलता है उसके साथ काम करता हूँ। सारे एक्टर अच्छे हैं, सारे एक्ट्रेस अच्छी हैं, जो मेरे साथ आएगा उसके साथ मैं परफॉर्म करूंगा। काजल एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, इन्होंने आज भोजपुरी की टॉप की हीरोइन है ये। मैं बिहार गया था तो आज हर एक लोगों के जुबान पे सिर्फ काजल का नाम था, तो कहीं ना कहीं इनका एक मेहनत है और ये गुजरात से होके भी भोजपुरी के लिए इतना कुछ कर रही है, तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे भाषा के ना होके भी हमारी भाषा को बहुत कुछ दे रही है। बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना मुझे प्यार मिलता है बिहार में जाके, यूपी में जाके, और गुजरात की होने के बावजूद मुझे इतना प्यार मिलता है बिहार से, तो भगवान की आशीर्वाद है। और मुझ पर बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ हमारे बिहार के लिए। अब मैं इसको हमारा ही समझने लगी हूँ, सो मैं कुछ करना चाहती हूँ हमारे बिहार के लिए एंड हम कोशिश कर रहे हैं। हम पानी है, खेसारी लाल यादव पानी है, इसको दारू में मिलाइएगा तो नशा का भी काम करता है, कीचड़ में मिला दीजिएगा तो ये पांक भी बन सकता है, गंगाजल में मिलाइएगा तो मैं जल भी बन सकता हूँ, मैं भगवान पे चढ़ता चढ़ना भी जानता हूँ, तो मैं एक पानी की तरह हूँ। मुझे डायरेक्टर जिस हिसाब से बोलता है कि बाबू आपको ये करना है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके
कहानी में उसके रोल में फिट बैठूं, और मैंने कोशिश किया। और आतंकवादी एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी बजट की, और प्रेम राय जब भी फिल्म बनाए हैं सुपरहिट बनाए हैं, और उन्होंने और हमारे एम आई राज जी का मेरे साथ पहला अनुभव रहा, लेकिन कमाल के टेक्नीशियन, कमाल के वो एक इंसान है, मैंने हंसते हंसते खिलाते खिलाते काम करते हैं और मजा आया। और आतंकवादी एक बहुत बड़ी फिल्म है, मैं खुद ट्रेलर देख के हिल गया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो जब मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ तो पब्लिक क्यों नहीं होगी यार। अब इसलिए पसीना हो रहा, हगवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारी मोहिनी घोषी हैं जो कि जिला चंपारण की हीरोइन है, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जिला चंपारण एक ऐसी मूवी है कि रियल घटना की कहानी है, चंपारण की ही कहानी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को देखने के मिलेगी कि रियल कहानी जो होती है हमारे देहात में, जो रियल घटना घटती है उस पर आधारित है। तो जिला चंपारण एक अपने आप में बड़ा नाम है, क्योंकि वहीं से देश आज़ादी का एक झंडा लहराया गया जो कि हमारे गांधी जी ने लहराया। तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी से हूँ मैं, तो उस मिट्टी को मैं थोड़ा सा खुशबू डाला हूँ जिला चंपारण में, देखिए क्या होता है, पब्लिक कितना प्यार करती है। कलाकार के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, हो गया भैया, खेसारी लाल यादव जी इस वक्त बिल्कुल अपने हाथों में अगरबत्ती लेकर पूजा पाठ का जी जी जी, और साथ ही साथ काजल राघवानी जी जहाँ कहीं भी होंगी प्लीज मेरी आवाज अगर सुन रही है तो प्लीज जहाँ ये सिलसिला लगा है प्लीज आ जाइए। और प्रियंका पंडित जी, मोहिनी घोष जी प्लीज आ जाइए। देखिए जगह थोड़ा कम है मैं मानता हूँ, लेकिन इसी में हम लोगों को लेकर चलना है, और क्योंकि हमारे भोजपुरी का असर आदत है, क्या करें, हम लोग थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश, बजट कम होता है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अच्छा है, बढ़िया है। दादा है और दीपक जी है तो बजट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आइए आइए आइए, अरे अरे भाई